गाइस, तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको कुछ टिप्स दिए थे, मतलब एक टिप दिया था कि आपको कैसे अपनी नर्वसनेस को एलिमिनेट करना चाहिए। आज मैं आपको कुछ टिप्स देने वाली हूँ कि किसी से बात कैसे स्टार्ट करनी चाहिए। तो ये ना बहुत सारे लोगों का कंसर्न होता है कि उन्हें लोगों से बात करना नहीं आता है, वो लोग किसी को अप्रोच करना चाहते हैं किसी से बात करना चाहते हैं, पर उन्हें समझ में नहीं आता है कि बात इनिशिएट कैसे की जाए, बात शुरू कैसे की जाए। तो क्या करना चाहिए, आप लोगों को कैसे किसी से बात करनी चाहिए। तो गाइस, क्या होता है कि अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि यार मैं इससे क्या बोलूँ, तो सबसे पहली चीज़ ना जो आप किसी के लिए भी कर सकते हो वो है स्माइल। क्योंकि गाइस, कौन नहीं पिघलता है किसी की स्माइल से, कम ऑन, स्माइल इज़ द लीस्ट थिंग यू कैन डू टू इम्प्रेस समबडी। तो आप एक स्माइल कर दीजिए और जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको दूसरे पर्सन से स्माइल मिल ही जाती है। नाउ बात करते हैं वर्ड्स की, कि किसी से बात करनी है तो कैसे उसे इनिशिएट करें, समझ में नहीं आ रहा है, किसी के पास जा रहा है। तो ईजीएस्ट ट्रिक इज़ कि टेक द एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन, जो उस समय हो रहा है उस चीज़ का एडवांटेज लो। कि अगर मान लो कि एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम में कोई पर्सन आपको दिखा और आपको लग रहा है मुझे इससे बात करनी है, तो उसके पास जाओ और ऐसे नॉर्मली पूछ लो, यार तेरे एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन हो गई क्या, यार वो टॉपिक कितना अजीब सा टॉपिक है ना, ये तुम्हें कौन सा टीचर पढ़ाता है। तो ऐसे नॉर्मल छोटी छोटी बातें अगर आप उनसे पूछेंगे तो कहीं ना कहीं से कॉन्वर्जेशन तो स्टार्ट हो ही रही है। तो कॉन्वर्जेशन में स्टार्ट करना जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो ऐसे आप इनिशिएट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको नॉर्मली समझ में नहीं आ रहा है तो आप कह सकते हैं नाइस शूज़, मैंने शूज़ कहीं देखे हैं, वेयर डिड यू बाय देम फ्रॉम, या नाइस ड्रेस, ऐसे थोड़े छोटे बहुत कॉम्प्लीमेंट्स करके जो है आप नॉर्मली किसी से भी बात इनिशिएट कर सकते हैं। सो या गाइज, ये चीज़ मैंने ट्राई की है, आई होप इट हेल्प यू।